सिखां दा विश्वास इन्ना उच्चा चला गया सी, कहिंदा मैं कश्मीर दे एक पिंड विच गया, अपने रिश्तेदारां दे गया, कहिंदा सर्दियां दे दिन सन, धुआं लगा होया सी, पिंड दे लोग अग सेक रहे सन, दो हिंदू आपो विच बहस कर रहे सन, एक हिंदू कह रहा सी, एक सिख ने एक दुकानदार दे पांच रुपये देने तो मुकर गया, पांच रुपये मार लेने एक सिख ने, दोवें हिंदू आपो च बहस कर रहे सन भी एक सिख ने दुकानदार दे पांच रुपये मार लेने मुकर गया है, बेईमानी कर गया सिख। मोशन फानी कहिंदा मैं भी हाथ सेकन लग पिया, एक मुसलमान आया अपने घरों, वो भी धुएं दे खलो गया, अग सेकन लग पिया, दो हिंदुओं नूं बहस करदिआं सुन के एक सिख कहन लगा, वो एक कहिंदा सी रुपये मार ले सिख ने पंज किसे शाहूकार दे, मुसलमान सुन के आखन लगा ओ हिंदू भरावो मैं कुरान की कसम खा के आना, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का सिख किसी ना बेईमानी नहीं कर सकता। मोहसन फानी कहिंदा मैं हैरान हो गया, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के सिख तो एक मुसलमान ने कुरान की सहु खाधी, कहिंदा मैं कुरान की सहु खा के कहिंदा छेवें पातशाह हरगोबिंद साहिब का सिख किसी ना बेईमानी नहीं कर सकता। मैं कनेडा के लोगों पिछे दे कह के आया, वह गुरु गोबिंद सिंह के सिखा से बड़ा विश्वास किया, उन्होंने विदेशी लोगों ने 19 साडे MP बनाते रक्षा मंत्री बनाता, इस विश्वास को बधाना चाहिए, भावे होवे भारत भावे होवे बाकी संसार, सानू गुरु नानक के सिखा अपना विश्वास बधाना चाहिए है। साडा आचरण वखरा, साडा करैक्टर वखरा, साडा रहन सहन वखरा, साध संगत इतिहास कहिंदा मुगल साडे खोपड़ भी लाउंदे सन, मुगल साडा बंद बंद भी कढ़दे सन, पर जदों किसे बंदे नूं चोरी विच फड़दे सन मुगल बादशाह जां कोई मुगलां दी सिपाही दा सूबेदार फौज दा, ते मुगल सूबेदार कहिंदा सी इह चोर है, उह लोग पिंड वाले कहिंदे सी इह चोर नहीं, पर मुगलां दा सूबेदार भी कहिंदा सी जे आन के गुरु गोबिंद सिंह का सिख कह दे भी इन्हें चोरी नहीं की ते दे नूं छड़ देंगे, सिखी का इन्ना विश्वास, उस विश्वास नूं आज फिर वधाउण दी लोड़ है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का सिख एक गुरु नानक के दर तो बिना किसी वाले चाकदा नहीं सी, भावें कोई गरीब सिख हुंदा सी पर आत्मक बल इन्ना उच्चा सी, जदों जहांगीर दे नाल आगरे विच गए, दो डेरे सन जहांगीर दा ते छेवें पातशाह दा, एक काही आगरे दा गरीब का खोतन वाला, उन्हूं पता लगा छेवें पातशाह आए हैं, साध संगत उन्हें का खोत रहा, प्रिंसीपल गंगा से कहिंदे ने भी जेड़ा का ते हुंदा सी हरा उन्हूं खोत लेंदा सी, जेड़ा का सुका हुंदा सी उन्हूं छड़ दिंदा सी, वो काही कहिंदा सी मेरे हरगोबिंद साहिब महाराज ने मेरे पातशाह के दरबार में हरे भरे प्रवान होंदे ने, पाप जिन्हां दे अंदर प्यार दी हरिया वाला उही प्रवान होंदे ने, घा दी पंड खोतरी, एक घर विच पिया होया टका लिया, दो डेरे हन एक हरगोबिंद साहिब महाराज दा इक जहांगीर दा, और जहांगीर भी पग बन्नदा सी कलगी लाउंदा सी, इस घाई नूं भुलेखा पै गया भी वह कलगी वाला वह दस्तार वाला पग वाला छेवें पातशाह है, जाके मत्था टेकिया, मत्था टेक के घर रख के तरला लैके कहन लगा महाराज मैनू बचाओ, महाराज मैनू बचाओ, जहांगीर आखन लगा तेनू किदे कोलों बचावा, तेनू किदा डर है, साध संगत वह काई कहन लगा मैनू जमदूतां तो बचाओ, मैनू जन्म मरण तो बचाओ, मैनू मौत दे डर तो बचाओ, मैं तो कहना शाबाश है जहांगीर दे, बंदा तो बड़ा बेईमान कपटी का अत्याचार सी, पर इस गलों दे शाबाश है, कहन लगा ओए सिखा जे जन्म मरण तो बचाउण वाला सच्चा पातशाह हुंदा तो मैं नहीं हाँ, मैं डेरेदारां नूं बेनती करदा वो तुहाडे नालों ते जहांगीर चंगा सी,
जिन्हें आख्या जे आवागमन तो बचाने वाले नु तू सच्चा पातशाह कहना तो उहदा डेरा आओ है। ऐ डेरेदारो आखो भी जे जन्म मरण दा ते आवागमन दा गेट कट्टण वाला तो सचखंड हरिमंदर दा मालक गुरु रामदास है। जहांगीर ने आख्या जे जम दूतां तो बचाने वाले नु सच्चा पातशाह कहना ते आओ आओ उहनां दा डेरा जा उन्हां कोल चला जा। काही हैरान होकर आखन लगा कि तुसी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। जहांगीर ने आख्या मैं जहां हरगोबिंद साहब महाराज नहीं, ओह उन्हां दा डेरा है। रखिया होया टका चुक लिया, घा दी पंड चुक ली। जहांगीर ने सोने दियां मोहरां दी मुट्ठी भर के दित्ती, तैनूं नहीं पता बादशाह अगे रखिया होया नजराना नहीं चुकीदा, जा ये मोहरां रख के अपने गुरु नूं खुश कर। वो काही आखन लगा किसी होर सरकार का सिक्का तुहाडे देश विच चलता। जहांगीर आखन लगा नहीं। वो काही आखन लगा झूठी सरकार का पैसा, झूठी सरकार दीआं मोहरां सच्ची सरकार के दरबार विच नहीं चलदियां, उत्थे किरत का सच्चा सुचा टका ही चलता है। घा दी पंड चुक लई और उस सिख ने टका चुक के हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे कोल गया। छेवें पातशाह महाराज उठे, आखन लगे सिखा शाबाश शाबाश, तू निहाल होया, तू निहाल होया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने अनंत कौतक कीते। अज उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है। बहु पर उपकारी, दुनिया नालों वड्डे पर उपकारी सन। साध संगत मैं बेनती कर रहा सा, चौथे जंग विच महाराज ने पेंदे खां नूं मारिया, पेंदे खां नूं पालिया पोषिया। हरगोबिंद साहिब महाराज ने जदों देखिया भी अंतों प्राण हन, सूरज वालों जिहड़ी तुप आउंदी सी, हरगोबिंद साहिब महाराज ने टाल करके नेत्र भर के आख्या ओए पेंदे खां, हजारां दुश्मन मेरी तलवार दे पेट होए हन, मैं एक भी जरनैल जिउंदा नहीं जान दिता। महाराज आखन लगे पेंदे खां जिन्हां नूं हत्थी पालिया होवे उन्हां नूं मारना बड़ा औखा है। पेंदे खां मैं तेनू मलाइया ते मक्खन दे दे के पालिया, मैं सिखां नूं बेनती करांगा खालसा पंथ नूं। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने उदों पेंदे खां नूं मारिया जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं मारन वास्ते आ गया, ते मगरों ढाल दी छां करके गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहना चाहुंदे सन वह जे किते मजबूरी करके अपना भुलेखे ना मर भी जावे उहदे ते छां जरूर करनी चाहीदी है। अपना मर जे उहदे ते छां जरूर करो। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने जिहड़े मुगलां दे जरनैल मारे उहनां ते छां नहीं कीती, पर अपने ते छां कीती जिहनूं पालिया सी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह तख्तां दे फैसले करदे सन, श्री अकाल तख्त साहिब जी ते। आओ अज दा पावन मुख वाक सरवण करिए भाई साहब जी दी रसना तो। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा अज प्रकाश दिहाड़ा है, बड़िया ही खुशियां दा दिन सी। गुरु अर्जन साहब महाराज ने शब्द उचारिया सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग। आखिरी पंक्ति च हजूर कहिंदे ने गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक त्रुठा की नी दात। महाराज आखन लगे गुरु नानक त्रुठा है, उन्होंने आप दात बख्श कीती है। और भाई साहब की रसना तो अज का पावन मुख वाग सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, तनासरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले। धन गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने मेरे परमेश्वर दा नाम ही सदा रहण वाला तन है, हे भाई उस तन नूं जमा करो। दुनिया वाला तन ते आपां जमा करदे आं, पर एक परमेश्वर दा नाम है जिहड़ा तन सदा निभण वाला है। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने हे भाई सदा रहण वाला नाम दा तन जमा करो। गुरु रामदास जी सच्चे पातशाह कहिंदे ने हर धन संचियै पाई। महाराज कहिंदे ने भई रब दे नाम दा धन इकट्ठा करो। हर धन संचियै पाई जे हलत पलत हर होए सुखाई। भई जे नाम दा धन जमा करोगे ये लोक विच भी सहायता करेगा,
यह परलोक विच भी सहायता करेगा। हजूर कहिंदे ने जिवें थोड़ा थोड़ा करके दुनिया वाला धन जमा कर दियो, इसे तरह थोड़ा थोड़ा वाहिगुरु करके नाम का धन भी जमा करो। महाराज कहिंदे ने भई रब का नाम जपो। साध संगत मैं हैरान हुन्ना भी गुरु जी ने आख्या से भई तू दुकान करे खेती करे परमेश्वर का नाम सिमरी, पर अज सानू बगैर निंदिया तो कोई काम नहीं। किसे चौंक विच बह जाओ किते होर बह जाओ, अज सानू बगैर निंदा, मैं सारयां दी गल नहीं करदा, ना सिर चुकदा जिहड़े उहने नाम नू याद रखदे ने। इस निंदिया चुगली तो बचिए, परमेश्वर का नाम जपिए, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने एक परमेश्वर का नाम है जिहड़ा सदा रहण वाला, हे भाई इहनू संभाल, इहनू अपने कोल संच इहनू जमा कर। जी जंत जन प्रत पाले, वो परमेश्वर का नाम जमा कर जिस परमेश्वर ने सारे जिया जनता की प्रतपालना की है, हुण कर रहा है ते आउण वाले समय च करेगा। मुक्त पदार्थ तिन को पाए, महाराज कहिंदे ने मुक्त पदार्थ जिहड़ा परमेश्वर का नाम है ए उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। हर कै नाम रते लिव लाए, जिहड़े मेरे परमेश्वर दे नाम नाल रते रहिंदे ने उहदे नाल लिव ला के रखदे ने, उन्हां नूं इह नाम दा तन प्राप्त हो जांदा है। गुर सेवा ते हर नाम धन पावै, महाराज कहिंदे ने इह नाम तन कित्थों मिलदा है। हजूर कहिंदे ने गुरु की सेवा विचों नाम दा तन मिलदा है, गुरु जी की सेवा कीते नाम का तन प्राप्त हुंदा है। अंतर प्रगास हर नाम त्यावै, महाराज कहिंदे ने जिहड़े उहदे नाम नूं त्यांदे ने उहनां दे अंदर आत्म प्रगास हो जांदा है, उहनां दे अंदर चानना हो जांदा है। रहाओ एहो हर रंग गूड़ा धन पेर होए, महाराज कहिंदे ने ओ परमेश्वर साडा पति है जिहड़ा नाम जपदा ओनू नाम दा गूढ़ा रंग चढ़ जांदा है, ना ओह तत्तियां लोहां ते उतरदा है, ना पानी च उबाले खा के उतरदा है, साध संगत ओह नहीं फिर रंग उतरदा। महाराज कहिंदे ने गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बोड़ ना होवे भंग, महाराज कहिंदे ने जदों गुरु त्रुठ के किस नूं प्यार दा रंग चाड़दा है ओह रंग नहीं उतरदा, ओह रंग कदे नहीं उतरदा, महाराज कहिंदे ने ओहनूं रंग गूढ़ा चढ़ जांदा है। सांत सिगार रावे प्रभ सोए, महाराज कहिंदे ने उहनां नूं रंग चढ़दा जिहड़े शांति दा शिंगार करदे हन। महाराज कहिंदे ने जिहड़े रब नाल रते रहिंदे ने शांति उहनां अंदर पैदा हुंदी है, बस उहनां दे अंदर प्यार पैदा हुंदा, उहनां नूं गूढ़ा रंग चढ़ जांदा है। हउमै विच प्रभ कोई ना पाए, बड़े ध्यान नाल इस पंक्ति नूं सरवण करिए जी। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने एक गल पल्ले बन लो, जिहदे विच भी हउमै है किसे किस्म दी हउमै होवे उहदा रब नाल मिलाप नहीं हुंदा, जिहड़ा बंदा भी हउमै विच है उहदा रब नाल कदे मिलाप नहीं हुंदा। साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज लाहौर विच गए और पता लगा महाराज छेवें पातशाह नूं कि साढ़े ताया जी का पुत्र मेहरबान भी लाहौर विच आया है। भाई पैड़ा जी भाई पिराणा जी दो सिखां नूं भेजिया कि जाओ जाके मेहरबान नूं मेरे ताया जी दे पुत्तर नूं बेनती करो कि हर गोबिंद तुहानूं हथ जोड़ के बुलाउंदा है। पैड़ा ते भाई पुराणा जी गए, कवि संतोख सिंह जी कहिंदे ने भई जिहड़ा मेहरबान सी उहनूं जदों सिखां ने सना दिता, मेहरबान जी हर गोबिंद साहिब महाराज तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करदे ने भी आण के मिलो मैनूं दर्शन दिओ, ते भाई साहब जी लिखदे ने मेहरबान पता की कहन लगा, कहन लगा पिता करत जिम छल को आगे, पहला इहदा प्यो साडे नाल वल छल करदा रहा हुण साडे नाल इह वल छल करेगा, तिसी रीत मैं अब सुत लागे हुण इह वी साडे नाल इही कुछ करेगा।
भाई पैड़ा ते भाई प्राणा ने जदों कबूल सुने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के खिलाफ उन्हें बड़े कबूल बोले। साध संगत सिखा ने आण के बेनती की हरगोबिंद साहब महाराज वो बड़े भैड़े बचन बोलता है, गुर की निंदा सुने ना कान। महाराज उन्हें तुहानू बड़े कबूल बोले हैं, असी नहीं सुन सके। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे कोई गल नहीं, मेरे ताया जी का पुत्र है, मेरे ताया जी का भी सुभा इस तरह का सी, मेरे ताया जी के पुत्र का मेहरबान का भी इस तरह का सुभा है, कोई गल नहीं, मैं आप उन्होंने मिलने वास्ते जाना। साध संग चार जंगा के जेतू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज इको ही दल पंजन गुर सूरमा होए ने, जिन्होंने कोई जरनैल अपने दे चढ़िया होया वापस जिंदा नहीं जान दिता। पर जो ताया जी के पुत्र आखन लगे मैं आप मिल के आना, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह भाई साहब कहिंदे ने मेहरबान को कर के बंदन, मेहरबान नू बंदना कीती पाप के सत करतार आख्या सीर चुका के बैठ गए गुर दुख निकंदन। दुखां तो रहत, वैर तो रहत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मेहरबान दे कोल बह गए। सिखा ने आख्या महाराज आप जे गए तो कोई कबूल ना बोले। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे ऐ मेरे प्यारे सिखो, बाहर की लड़ाई भी माड़ी हुंदी है पर घर की लड़ाई बहुत माड़ी हुंदी है। ऐ खालसा पंथ मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुन, मैं दोवें हाथ जोड़ के बेनती करदा, लड़ाई ते कोई भी चंगी नहीं हुंदी पर छेवें पातशाह कहन लगे ओ घर की लड़ाई बहुत माड़ी हुंदी है, इस घर की फुट ने हरनाकश दे घर का बेड़ा गर्क कर दिता, सत्यानाश कर दिता, इस घर की फुट ने रावण की लंका साड़ के सुआ कर दिती, इस घर की फुट ने रामचंद्र नूं 14 साल घरों बेकार कर दिता। राजपूतां दा हिंदुस्तान ते राज सी, राजपूत अज राज तो हीणे हो गए। छेवें पातशाह कहन लगे आ जिहड़े साध संगत पंजाब की धरती ते हिंदुस्तान की धरती ते जिहड़े लोग कड़ाइयां नूं कंडे कुंडे लाउंदे फिरदे ने, पीपियां नूं ढक्कण लाउंदे ने, कदे इहनां दा हिंदुस्तान दे राज सी? गुरु हरगोबिंद अज उन्हां दी फुट करके राज भाग उन्हां दा किसे समें च सी खत्म हो गया, अज कड़ाइयां नूं कुंडे लाउंदे फिरदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आखन लगे घर दी फुट तो बचना चाहीदा, मेहरबान नूं आप मनाउण वास्ते गए पर मेहरबान आखन लगा जो मेरा पिता नहीं कर सकिया वह मैं हुण करांगा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहना चाहते सन भाई घर की फुट तो बचो। ऐ खालसा पंथ साडियां बड़िया जथेबंदियां हैं, जिउंदियां रहन जथेबंदियां, पर याद रखो साध संगत हर कौम का कोई निजम हुंदा है, हर देश का कोई कानून हुंदा है। साडे देश का कानून की है? बाबा नानक जी दे आसा दी वार विच कहिंदे ने वो हवा की भी कोई मर्यादा है, वह पानी की भी कोई मर्यादा है, सूरज की मर्यादा, चंद्रमा की मर्यादा, धर्मराज की मर्यादा, धरती की मर्यादा। वो शब्द पढ़ लेना पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चले लख दरियाओ, पै विच अगन कड़े वेगार, पै विच धरती दबी पार, पै विच राजा धर्म द्वार। धर्मराज भी एक मर्यादा विच है, जिदन मर्यादा तो बाहर हो गया धर्मराज नूं उठाल दिता जाएगा। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे ने लिख नाम है धर्म बहालिया, धर्मराज नूं बहालिया होया है, जे ये भी कुताही करेगा इहनूं भी मेरा रब उठाल देगा। साध संगत खालसा पंथ विच एकता दी अज बड़ी वड्डी लोड़ है, हर देश का कोई कानून है भी सज्जे हथ चलो खब्बे हथ चलो, हिंदुस्तान का कानून की है खब्बे हथ चलो। मैं बेनती करा ट्रैफिक की है मर्यादा, जे कोई बंदा स्कूटर से जा रहा मोटरसाइकिल से जा रहा तो खब्बे हाथ की मर्यादा छड़ के कदे अपना स्कूटर मोटरसाइकिल सज्जे लै जाए, कदे खब्बे लै जाए, कदे विचकार चले, जेड़ा अगों आ रहा मर्यादा की पालना वह भी नहीं करता, वह भी कदे सज्जे कदे खब्बे कदे विचकार। जदों ट्रैफिक की मर्यादा की पालना ना करांगे फिर नतीजा कि निकलेगा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट विच की होवेगा सट्टा भी लग सकदियां ने, मौत भी हो सकती है। साध संगत मैं कल ही जलंधर तो आ रहा सा ते एक मैं बोर्ड पढ़िया होया सड़क ते लिखिया होया पढ़िया भी खब्बे चलो
हौली चलो ते थले लिखिया सी भी हड्डियां दा स्पेशलिस्ट हस्पताल भी जे खब्बे हाथ चलो जे ना खब्बे हाथ चले ते याद रखो पर हड्डियां दा हस्पताल ए आ फिर सट्टां लगन गियां पाई साध संगत सच किनारे रह गया खह मरदे बामण मलाणे भाई गुरदास कहिंदे ने बामण ते मलाणे खह खह के मारे सन मैं ते अज दुखी हिरदे नाल कहना भाई गुरदास जी तुसा आख्या सी भी बामण ते मलाणे खह खह के मरदे ने पर साध संगत ओ ते खह खह के मरन उन्हां दा पूजनीक स्थान मक्का है हिंदू लोग बनारस नूं पूजदे हन ओ मुहम्मद नूं पूजदे ने ए रामचंद्र नूं पूजदे ने ओ जनेऊ विच विश्वास रखदे ने ओ सुनत विच विश्वास रखदे ने ओ कुरान नूं मनदे ने ए गीता नूं मनदे ने ओ सुनत विच विश्वास रखदे ने ओ जनेऊ विच ओ यज्ञ करन विच विश्वास रखदे ने ए रोजियां विच पर जिन्हां दा सब कुछ वख वख है ओ ते लड़के मरन खै मरदे बामण मलाणे मैं दुखी हिरदे नाल कहना भी ओ लड़के क्यों मरन जिन्हां दा श्री आनंदपुर साहब एक होवे ओ जिन्हां दी चमकौर साहब दी गढ़ी एक होवे जिन्हां दी सरहंद दी दीवार एक होवे जिन्हां दा श्री अकाल तख्त साहब एक होवे जिन्हां दा हरिमंदर साहब एक होवे जिन्हां दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक होवे क्यों आपद लड़के मरन साडे इतिहास चाहुंदा कदे 12 जथे सन खालसा पंथ दे खालसा पंथ दे 12 जथियां नूं जस्सा सिंह आलूवाल होरां इक थां दे इकट्ठा कीता 12 मिसलां बनियां 12 मिसलां दे जथेदार जिथे भी अमृत छकाउंदे सी हर मिसल दा जथेदार अमृत बलाखी कोलो एक टका लैंदा ते श्री अकाल तख्त साहिब भेजदा उहदा कारण की सी अकाली बाबा फूला सिंह जी भावें मिसलां 12 ने पर सारियां मिसलां श्री अकाल तख्त साहिब जी दी ताबै हेठ हन साध संगत जे असी कौम दी चढ़दी कला चाहुंदे आं डॉक्टर इकबाल कहिंदा मुसलमान मैं ये गल कह के समाप्ति करा डॉक्टर इकबाल कहिंदा कौम की मौत है मरक से जदाई वो कोई भी कौम होए जदों अपने केंद्र नूं टुट जाए उहदी मौत है साध संगत गुरु कृपा करे अपने केंद्र नाल जुड़िया रहिए श्री अकाल तख्त साहिब दी रहत मर्यादा सारे सिखां दी सर्वप्रवानत मर्यादा है संसार का कोई सिख ये संसार का कोई बंदा यह नहीं कह सकता मैं सिख नहीं बन सकता रहत मर्यादा इस सावना तैयार की गई गुरु नानक दे धर्म नूं असी संसार तक फैलाउणा है चलो खैर गुरु कृपा करे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहिंदे ने घर दी फुट चंगी नहीं हुंदी मूल हो भुला जन्म गवाए महाराज कहिंदे ने ओ अपने मूल नालों टुट जांदा है अपना जन्म गवा लैंदा है साध संगत होमे विच बंदे नूं रब दी प्राप्ति नहीं हुंदी गुरु ते शांत सहज सुख बाणी महाराज कहिंदे गुरु कोलो शांति मिलदी है सहज अवस्था दी प्राप्ति हुंदी है सेवा साची नाम समानी महाराज कहिंदे गुरु दी सेवा करन करके बंदा परमेश्वर दे नाम च लीन हो जांदा है शब्द मिलै प्रीतम सदा ध्याए जदों परमेश्वर गुरु का शब्द प्राप्त हो जाए फिर रब नाल मलाप हुंदा शब्द दे राही साच नाम वडियाई पाए उस बंदे नूं परमेश्वर दे नाम दी वडियाई सदी भी प्राप्त हुंदी है आपे करता जोग जोग सोए महाराज कहने ओ मेरा परमेश्वर जोग जगंतरा तो ओ आप ही है नदर करे मेलावा होए जो रब नदर करता है जिदे ते नदर करदा नु अपने नाल मेल लेंदा है गुरबाणी ते हर मन वसाए महाराज कहंदे ने गुरबाणी नाल जुड़ो गुरबाणी राही ही मेरा परमेश्वर मनुख दे मन विच वस जांदा है नानक साच रते प्रभ आप मिलाए महाराज कहंदे ने हे नानक जेड़े ओदे नाम च रते रहंदे ने महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने उहनां नु अपने नाल मिला लेंदा है पुल चुक दी खिमा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है खालसा पंथ नूं लख लख मुबारक मनुखता नूं होण सत्कारयोग तन तन श्री गुरु रामदास जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी जगतार सिंह होरां दा धन्नवाद प्रधान साहब जी का धन्नवाद भाई निशान सिंह होरां बड़े प्यार नाल पाठ कीता गुरु की साध संगत का धन्नवाद
आओ आखिरी पंक्तियां दोबारा पढ़ के समाप्ति करिए जी। गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।